करें स्टार्ट। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है अभी तक की क्लास में? एनी डाउट? नो सर। और ठंड बहुत हो गई यार, ठंड बहुत हो गई यार सर, बहुत ही गजब हो गई है। यस यस। राज कॉलेज का खत्म हो गया। हो गया आज खत्म? हो गया आज खत्म। हाँ सर। इको आ रहा है, कोई म्यूट करे अपने आप को, पीछे से आवाज आ रही है, इको आ रहा है। ओके, नाउ सॉल्व वन क्वेश्चन मोर, देन विल डू द गेट क्वेश्चंस आल्सो। मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्स डेट क्रिएट नो डेट डॉग।
क्या रहा आंसर? ओनली तीन चार बच्चों ने आंसर दिया, व्हाट अबाउट अदर्स? यस, there are many students who haven't joined. कितना आ रहा है? 58 आ रहा बेटा. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Very good. Do it. ये तो कर लिया ना अपन लोगों ने, सारे गेट के क्वेश्चन भी तो करा दो. उसका 58 आ रहा था बेटा. ठंड लगने लग गई यार, पहन लिया. Yes, sir. इसका बताइए क्या आंसर आएगा. तीन यूजर प्रोसेस है, हर प्रोसेस को दो चाहिए, तो कितने में? तो बेटा कितना आ जाएगा? चार आ जाएगा. ये वाले तो ऐसे देख देख के करने वाले हैं. अब भाई जो आए हैं वो तो कराऊंगा ही ना. यस सर. करिए इसको भी जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सल्टाते जाओ. और सभी बच्चा पार्टिसिपेट करे. कितना आएगा बेटा? गारंटी डेडलॉक फ्री. दो 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 आ जाएगा. यस सर. क्लियर है सभी को? यस सर. आगे बढ़े. यस सर. जय वाला कीजिए. बताइए बच्चों. कितना? और अगर ऑप्शन नहीं होता तो क्या आंसर आना चाहिए था? 13 11 आता ऑप्शन नहीं होता. 11 आ रहा सर. हाँ 11 आता, लेकिन 13 डालेंगे ना सर. हाँ वही कह रहा हूँ मैं भी कि अगर ऑप्शन नहीं होता तो 11 आता, अपन 13 यूज करते. समझ में आई बात? यस सर. कुछ नहीं सर. ठीक है. क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर. अभी आंसर आएगा कितना? 13 इज द राइट आंसर राइट नाउ. इसमें करो क्या आएगा?
क्या आ रहा है? फाइव आ रहा है। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ये वाला भी हो नहीं पाएगा, ये वाला भी नहीं हो पाएगा, अभी बैंकर्स नहीं कराई है। ये कर सकते हो। टेल मी दी आंसर बेटा। व्हाट इज द आंसर? Are you able to solve this question? Yes, sir. सर आपकी स्क्रीन चली गई। सर ही चलेगा, सर ही नहीं है। फिर मेरे को होस्ट नहीं बनाया इस ज़ूम ने। Are you getting my voice? Yes, sir. Network गया। Mobile hotspot से connected हैं अपन। ये कौन सी इच्छा पूरी हो गई भाई? शानू? शानू? सर मेरे को होस्ट बनने की इच्छा थी बहुत दिनों से। होस्ट बनना था। अच्छा। फाइनली या प्लीज पिछले तक क्रिस्टल क्लियर है? लिख दीजिए एक बार, लिख दीजिए ईच एंड एवरीवन, राइट डाउन इन चैट बॉक्स।
क्लियर? ये वाला, ये वाला क्या रहा आंसर बोलिए। देखो मैं बताता हूं, सुनिएगा हर जना, कर रहे हो? एक मिनट और दिया, चलो करो। कीजिए बेटा, क्या रहा है? रॉन्ग, डी इज रॉन्ग बेटा, डी इज रॉन्ग, फर्स्ट रॉन्ग। पहला वाला या सी आएगा सर, दोनों में से कोई एक आएगा। हाँ फर्स्ट या सी में कंफ्यूजन है। कड़ बक्कड़ नहीं खेलने, क्यों आ रहा है उसका रीजन भी चाहिए। हाँ सर रीजन भी है ना, क्यों आ रहा है उसका रीजन भी चाहिए बेटा। हैं फर्स्ट और सी दोनों का रीजन है, लेकिन अब जिस जो सी वाले हैं उसमें ये इनकी जगह प्लस ये है और एक और ये है बैठेगा। चलो पहले ये भी कर लो। कीजिए बच्चों जल्दी सीख, सारे क्वेश्चन सल्टा दीजिए। एक्चुअल में इसके ऑप्शन गलत है। सिक्स आएगा ना सर इसमें, दो ग्रेटर देन फाइव, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स। ओके ये देखो, यस सर, यस सर, ये वाला कीजिए। क्या आंसर बेटा? के इंस्टेंस पूछ रहा है, कितने दिए जाए, एक को कितने दिए जाए। वेरी गुड, दो नहीं आएंगे आंसर। वेरी गुड भूपेंद्र पटेल, वेरी गुड। अरे बच्चों दो दो दोगे, याद करो इसी टाइप का तो क्वेश्चन किया था अभी, पहला है दूसरा, दूसरा क्वेश्चन था ना, तीन प्रोसेस थी और सबको दो दो इंस्टेंस देने हैं, तो कितने इंस्टेंस चाहिए। इस बार उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया और कुछ नहीं, टाइम पास कर रहा है वो, समझ रहे हो। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया है आपको, असना मत रहे बच्चों, ठंड लग रही है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दे दिया कि तीन प्रोसेस है, चार इंस्टेंस है, तो कितने रिक्वायरमेंट दोगी, तो आंसर आएगा दो, कि अवॉइड द डेडलॉक।
समझ में आ गई बात? यस सर। 2014 वो कैसे हुआ सर? वो वाला फिर से समझा दीजिए। अभी तक अपन जी बेटा जी अभी तक अपन क्या करते आ रहे हैं सुनिएगा बेटा, अभी तक अपन क्या करके आ रहे थे कि प्रोसेस दे रखी थी और इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट दे रखी थी कि कितने चाहिए, तो अपन नंबर ऑफ रिसोर्स निकाल रहे थे, हाँ या ना? इसमें अपन को तीन प्रोसेस दे रखी है और चार रिसोर्स दे रखे, समझ रहे हो? और हर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट कितनी है? के इंस्टेंस की। कितनी? के इंस्टेंस की। क्लियर? तो के की वैल्यू में क्या रखूं कि डेडलॉग नहीं आए? तो अगर आप के की वैल्यू तीन रखोगे तो कोई भी डेडलॉग में आ सकती है बेटा, अगर दो रखोगे तो कोई भी एक प्रोसेस को दो मिलेगा और बाकी वाली रुक जाएगी। आ गई बात समझ में? अरे अभी अपन ने पहले नहीं किया था तीन प्रोसेस है, सबको ही दो रिक्वायरमेंट है, तो कितने रिसोर्स रखूं कि डेडलॉग ना आए? चार। अब ये क्वेश्चन इसको अलग तरीके से दे रखा, तीन प्रोसेस चार रिसोर्स, कितने इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट रखूं कि डेडलॉग ना आए? दो। अब आया? यस सर आ गया। एक और बच्चे ने पूछा था, सभी को क्रिस्टल क्लियर है? राइट डाउन इन चैट बॉक्स। अरे भाईयो फील आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर लिख दीजिए चैट बॉक्स में। डन? यस सर। ये वाला यस बच्चों क्या रहा आंसर? सेवन आ रहा है। यस सर। देखो भाई तीन प्रोग्राम है, तीन टेप ड्राइव है, यानी तीन प्रोसेस, सभी को दो दो भी दिया, समझ रहे हो? यानी तीन प्रोसेस है, सभी को दो दो भी दिया तो भी डेडलॉग आ जाएगा, हाँ है ना? Yes, अगर एक और बढ़ा दिया तो आपका डेडलॉग नहीं आएगा। क्लियर बच्चों? Yes, sir. ये वाला भी करना है, चलो पहले वो कराता हूं मैं। ये हुआ क्या तुम्हारे से यार ऐसा? ये वाला यस सर, इसका सी ही आएगा सर। सी आ रहा है? तरीका देख लीजिए एक बार। P1 P1 P2 P3 PN, एक की रिक्वायरमेंट S1 है ना? अरे हाँ है ना? यस सर। तो भाई डेडलॉक कब आएगा? जब इसको एक कम दे दोगे, 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 हाँ बोलो। यस सर। यस सर। ये आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स विच क्रिएटेड डेडलॉक। यस या नो? Yes, sir. तो इनको कैसे लिख सकता हूं मैं? समेशन ऑफ I1 से लेके N SI-N, हाँ या ना? Yes, sir.
यस सर। ये मेरा क्या क्रिएट कर देगा? डेडलॉक। डेडलॉक क्या क्रिएट कर देगा? डेडलॉक। डेडलॉक समझ में आया? यस सर। हाँ या ना? यस सर। समझ में आ गया? तो ये टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स कितने हैं? आर। कितने हैं? एम। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स कितने हैं? एम। तो बच्चों एम की वैल्यू इसके बराबर या इससे कम होगी तो डेडलॉक आ जाएगा। आ जाएगा। क्लियर? यस सर। और अगर एम यानी रिसोर्स इससे ज्यादा हुए, वन से एन इससे ज्यादा हुए तो नो डेडलॉक। मेरी बात समझ में आई? यस सर। क्लियर? तो अगर मैं इसको एम प्लस एन इक्वेशन ही तो करनी है भाई थोड़ी सी। यस सर। ऐसा ही समझ में आ गई बात? यस सर। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? यस सर। अरे इसी टाइप का आपने किया था, समझ में आया या नहीं आया जल्दी से बता दीजिए। आ गया सर। अरे भाइयों और बहनों उतार लीजिए स्क्रीनशॉट। क्लियर? यस सर। सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो बेटा, सॉल्व दिस क्वेश्चन। बताइए आंसर। यस बच्चों क्या आंसर आ रहा है? व्हाट इज द आंसर बेटा? एक मिनट सर। बताइए बच्चों आंसर। बी। इसको किया? यस सर। क्या आंसर?
भी आ रहा है। आ रहा है? यस सर। देखो बच्चों, कुछ ही नहीं कह रहा है, कुछ ही नहीं कह रहा है, आप पढ़ो तो सही इस क्वेश्चन को। क्या पी वन पी टू पी थ्री प्रोसेस पी क्यू एन, इसमें अलोकेट कितने हैं? एक्स पी एक्स क्यू एंड एक्स एन, क्लियर? और रिक्वायरमेंट कितनी है प्यारे? वाई आई, और इन दोनों की रिक्वायरमेंट कितनी है? जीरो। ठीक है, तो जैसे ही पी वंस प्रोसेस पी पी एंड पी क्यू फिनिश, देन वी गेट एक्स पी एंड एक्स क्यू रिसोर्स। यस या नो? यस सर। तो अब अवेलेबल कितने हो जाएंगे? एक्स पी एंड एक्स क्यू रिसोर्स, हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? तो व्हाट इज द कंडीशन एक्स पी प्लस एस क्यू आपकी क्या हो? किसी भी रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो, और वो जो रिक्वायरमेंट है वो p और q नहीं होनी चाहिए। वो जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इनकी तो जीरो है ना, p yes. और q की नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा ज्यादा हो। यस या नो? यस सर। क्लियर है? yes, sir. तो आपका इधर मिनिमम भी आ सकता है, मिनिमम नहीं दे रखा, अरे मिनिमम ही आएगा वैसे तो, समझ रहे हो बात? मैं आगे सिखाऊंगा बैंकर्स एल्गोरिथम जब पढ़ाऊंगा, मिनिमम ही आएगा इधर, लेकिन यहाँ मिनिमम नहीं दे रखा, तो मैक्सिमम से, जब मिनिमम से ही हो रही है तो मैक्सिमम से तो होगी होगी, समझ रहे हो? यानी नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन दो चीज मैं सिखाऊंगा, ये दो बहुत बढ़िया चीजें हैं, नेसेसरी और सफिशियंट मैं कराऊंगा आपको। क्लियर? यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। ये वाला भी बैंकर सी है, ये भी हो जाएगा। कितने क्वेश्चन है? 14-15। सुनिए बच्चों, मेरे यहाँ नेटवर्क का बड़ा बार बार अनस्टेबल आ रहा है, अगर किसी भी टाइम नेटवर्क कट जाए तो कोई बात नहीं है ना, मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं फिर अपन कंटिन्यू करेंगे कल, क्योंकि मेरा वाईफाई जा चुका है, लैन यानी जा चुका है, मोबाइल भी बड़ा डिस्टोर्शन क्रिएट कर रहा है। ओके, पीडीएफ दे दीजिएगा बेटा, पढ़िए उसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में होगी, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी नहीं भेज पाऊंगा मैं, क्योंकि नेट एकदम लो स्पीड है। ओके, नाउ बेटा व्हाट इज द कंडीशन फॉर डेडलॉक अकरिंग? टेल मी व्हाट इज द कंडीशन फॉर डेडलॉक अकरिंग? प्लीज टेल मी। रिसोर्स की कमी। टू प्रोसेस रिक्वेस्टिंग फॉर सेम रिसोर्स, सेम इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स। सर जब सारी के सारे प्रोसेस सारे के सारे और उसके बाद भी कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पा रही, तो वो सर्कुलर वेट म्यूचुअल एक्सक्लूजन होल्ड एंड वेट नो प्रीएम्पशन सर्कुलर वेट। क्लियर बच्चों? यस सर। यस या नो? यस सर। समझ में आ रही है बात? ये चार कंडीशन होती है फॉर अकरिंग डेडलॉक, डेडलॉक अकरेंस की ये चार कंडीशन होती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होल्ड एंड वेट नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन? आप पढ़ के आए हो, मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था टॉपिक्स। यस सर, प्रायोरिटी इनवर्स एंड स्पिन लॉक। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है बेटा?
एक टाइम पे सर कोई भी एक, एक मैन में एक तलवार रहेगी, एक जंगल में एक ही शेर रहेगा. म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है क्या, इफ वन प्रोसेस यूजिंग द रिसोर्स आर आई देन नो अदर प्रोसेस यूज दैट रिसोर्स एट दैट टाइम. नो अदर प्रोसेस यूज आर आई एट दैट टाइम. हा या ना? मीन्स द रिसोर्स has to be allocated to only one process or it is freely available or it is freely available. Clear? Second, hold and wait. होल्ड एंड वेट क्या बोलता है बेटा? होल्ड एंड वेट क्या बोलता है? द प्रोसेस इज होल्डिंग ए रिसोर्स एंड रिक्वेस्टिंग फॉर अनदर रिसोर्स साइमल्टेनियसली. समझ रहे हो बेटा? जैसे पी वन इज होल्डिंग आर वन एंड रिक्वेस्टिंग आर टू एंड पी टू इज होल्डिंग आर टू एंड रिक्वेस्टिंग फॉर आर वन. क्लियर बेटा? यस सर. थर्ड वन, नो प्रीएम्प्शन. नो प्रीएम्प्शन का मतलब क्या है? रिसोर्स कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड. मींस रिसोर्स कैन बी रिलीज्ड बाय द प्रोसेसेस वॉलंटरी by complete of its execution. समझ रहे हो बेटा? और सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट में क्या आएगा? The process are circularly waiting on each other for the resource. कैसे बेटा? सुनिएगा बेटा, P1 को जो resource चाहिए वो P2 के पास है, P2 को जो resource चाहिए, ये बेटा rectangle बना देना इसको, है ना, वो P3 के पास है, P3 को जो रिसोर्स चाहिए वो P4 के पास है, Pn को जो रिसोर्स चाहिए Rn वो P1 के पास है. क्लियर? यस सर. यस सर. क्लियर सर? यस सर. कोई डाउट? नो सर. सर एक बार नॉन प्रीएम्प्शन, नो प्रीएम्प्शन डाउट है बेटा कोई? सर नो प्रीएम्प्शन बताना. सुनिएगा बच्चों, मैं सारी सिखा रहा हूं दोबारा, मैं सारी ही सिखा रहा हूं. पहला मैंने आपको बताया म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन में मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अगर वन प्रोसेस है ना, कोई भी वन प्रोसेस किसी भी रिसोर्स को यूज कर रही है,
तो कोई दूसरी प्रोसेस उस टाइम पे उस रिसोर्स को यूज करने वाली नहीं होनी चाहिए. मींस एक बार में एक ही जना उस रिसोर्स को यूज करना चाहिए. तो उससे क्या हो जाएगा, डेड लॉग आ जाएगा. अरे आप कीबोर्ड यूज करो तो मैं यूज नहीं कर सकता, और मैं माउस यूज कर रहा हूं तो आप नहीं कर सकते. तो ना तो आपका काम हो पा रहा है ना मेरा काम हो पा रहा है. होल्ड एंड वेट का काम क्या है, एक रिसोर्स को होल्ड करना, दूसरे के लिए रिक्वेस्ट करना. क्लियर है? यस सर. एंड नो प्रीएम्प्शन. नो प्रीएम्प्शन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, समझिएगा बेटा. मान लीजिए आपके कॉलेज में कोई इमरजेंसी आई किसी बच्चे के लिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं, वैसी कोई इमरजेंसी थी, लेकिन एचओडी से आपको आपको गाड़ी चाहिए थी, कार चाहिए थी. आपने एचओडी के पास गए या किसी फैकल्टी के पास गए, उन्होंने बोला कि सर देख बेटा मेरी कार सुबह 9 बजे आती है और शाम को 5 या 4 बजे जाती है बाहर, है ना, उससे पहले नहीं जाती है. तो उसकी अभी काम भी नहीं आ रही है और वो आपको नहीं दे रहा, तो आपका भी काम नहीं हो रहा है. कहने का मतलब है अगर मेरे पास कोई रिसोर्स है वो मेरे भी यूज नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी जस्ट यूज नहीं आ रहा है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रिलीज कर सकता हूँ, लेकिन मैं रिलीज नहीं करूंगा. मैं कब खत्म करूंगा, चाहे मेरे काम फिनिश हो जाएगा उसके बाद ही दूंगा. अरे प्रिंटर है, आपको पता ही नहीं है काय का काम करना है, काय की लैब का प्रिंट आउट लगना है. और एक और जना है मुकेश, सुरेश, महेश, कोई भी है ना, उसका सब काम हो गया, प्रिंट ही लेना ओनली, उसको 2 मिनट का काम है, लेकिन आप नहीं दे रहा, आपके काम नहीं आ रहा अभी. तो बेटा देखो ना तो आपके काम आया और उसको आपने रिसोर्स नहीं दिया, तो उसका भी काम नहीं होगा. समझ रहे हो? क्लियर है? एंड सर्कुलर वेट, मेरे को जो रिसोर्स है वो आपके पास है, आपको जो रिसोर्स है उसके पास है, उसको जो रिसोर्स है उसके पास है, उसके पास जो रिसोर्स है उसके पास है. क्लियर है बच्चों? यस सर. अरे हाँ या ना? यस सर. अगर ये चारों कंडीशन सिस्टम में आएगी तो डेफिनेटली देर इज ए डेड लॉग. अरे सोचो ना यार, मैंने ये ले लिया तो आप नहीं ले सकते, है ना. होल्ड एंड वेट, एक लेके बैठा हूं और दूसरे के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दूसरा भी ऐसे ही कर रहा है, तो क्या होगा, दिक्कत ही होगी. नो प्रीएम्प्शन, मेरा काम भी नहीं हो रहा लेकिन मैं दे भी नहीं रहा अभी. सर्कुलर वेट भी तो होल्ड एंड वेट ही है, देखो ना सर, एक प्रोसेस को तो होल्ड करके बैठा है और दूसरे के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है. क्लियर है बच्चों? यस सर. उतार लिया है? नो सर. उतार लीजिए जल्दी से सर. पहला वाला क्या नहीं उतारा है? पहला वाला रह गया था एक्चुअली, पहला वाला भूल गए थे लिखना भी है. कोई बात नहीं, डन? यस सर. इफ ऑल 4 कंडीशन आर अकरिंग साइमल्टेनियसली in the system, then definitely there is a deadlock. Clear bachcho? All conditions are not purely independent. Independent नहीं है, because like circular weight include
hold and wait also. Clear hai bachcho? Yes sir. My dear lovely students, clear hai? Yes sir. Yes sir. Aage badhe. Last line hai ye. लिख लो आराम से। सब्जेक्ट का क्या हुआ सर? क्या? न्यू सब्जेक्ट। बड़ा मुझे नहीं पता, सॉरी। आज तो सुबह सोए होंगे आराम से। उठ गए थे सर आज थोड़ा सा। है बच्चों? अरे तो अभी भी नींद में है सर। नहीं, नहीं मैं तो नहीं उठ पाया था आज, मैं थक गया था दो तीन दिन से। सर आप एक सर आप एक दो दिन रेस्ट ले लीजिए, मतलब कंप्लीट रेस्ट सर, दो दिन का कंप्लीट रेस्ट चाहिए सर आपको, तभी आपका मतलब एकदम जोश में आएंगे वापस, लाइक पूरा ही मोह माया से दूर एकदम, फोन स्विच ऑफ। जोश में तो अभी भी आ जाएंगे। नहीं सर मतलब वो असली एकदम रियल वाला जोश, ये तो करना, वो तो नहीं होगा अभी, वो तो स्ट्रेंथ नहीं है सर, वो तो नहीं होगा अभी। हैं? स्ट्रेंथ नहीं है अभी इसलिए सर है। हाँ करें आगे। यस सर। क्या कह रहे थे? आपकी आवाज नहीं आई बेटा, अभी क्या कह रहे थे लास्ट? स्ट्रेंथ नहीं है बच्चे नहीं है उतने ना। हाँ थकने में भी डिपेंड करता है। देखिए यस सर। हैं? यस सर। डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक प्रिवेंशन माय डियर स्टूडेंट, डेडलॉक प्रिवेंशन, लिसन एवरीवन, क्या होता है सुनिएगा। इन द डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशन फॉर अकरिंग ए डेडलॉक, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशन फॉर अकरिंग ए डेडलॉक, कि किस कंडीशन से डेडलॉक हो रहा है। और डेडलॉक प्रिवेंशन में अपन बात करते हैं हाइपोथेटिकल, कि अपन ये चारों कंडीशनों को कैसे रोक सकते हैं। और अवॉइडेंस में अपन बात करते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम के बारे में। तो सुनिए, प्रिवेंशन में अपन क्या करते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को कैसे रोक सकते हैं, और होल्ड एंड वेट को कैसे रोक सकते हैं, नो प्रीएम्पशन को कैसे रोक सकते हैं, सर्कुलर वेट को कैसे रोक सकते हैं। समझ रहे हो बात? यस सर। अरे हाँ या ना? यस सर। देखो मैं वीडियो ऑफ ही रखूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत अनस्टेबल बताने लग जाता है, मैसेज आ जाता है अलर्ट। यस सर। और ये भी जाए। यस सर, साउंड कटने लगता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कब हो रहा है बेटा? म्यूचुअल एक्सक्लूजन कब हो रहा है कि अगर मैं उसको यूज कर रहा हूं तो दूसरा जना उसको यूज नहीं करना चाहिए। अरे हाँ है ना? यस सर। जैसे आपके नॉन शेयरेबल होता है प्रिंटर, प्रिंटर जो है आपका नॉन शेयरेबल है। आप बोलोगे सर वो तो शेयरेबल है, एक साथ दस जन यूज करते हैं हम तो, एक लैब में दस एक प्रिंटर है, लेकिन बेटा एट ए टाइम एक ही जना यूज कर पाता उसको, दैट इज द मीनिंग ऑफ शेयरेबल नॉन शेयरेबल। अरे हाँ है ना? यस सर। तो फॉर ए नॉन शेयरेबल डिसेबलिंग द म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज वेरी डेंजर। अरे हाँ है ना? यस सर। कहने का मतलब है इट इज नॉट पॉसिबल टू डिससेटिस्फाई द म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑलवेज बिकॉज ऑफ non-shareable resource। समझ रहे हो बात? Yes, sir। समझ रहे हो? non-shareable and shareable resource, both। समझा रहा हूं मैं। कहने का मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहता है, कभी जैसे फाइल होती है कोई भी, जैसे आप कोई गूगल है या गूगल पे आप कोई फेसबुक से या कोई भी पीडीएफ रीड कर रहे हो विकिपीडिया से। अरे हाँ है ना? Yes, sir। Means You can read of Computer Times of India, okay? Ara, yeah. Or
जैसे प्रिंटर है, ये आपका क्या है? नॉन शेयरेबल रिसोर्स है, हाँ या ना? यस सर। बाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन विच सेटिस्फाई दी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्लियर है बच्चों? तो बेटा वहां अपन म्यूचुअल एक्सक्लूजन को डिसेबल नहीं कर सकते, किसमें? लाइक प्रिंटर में। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया कि अगर अपन नहीं कर सकते तो सॉल्यूशन क्या आया? पुलिंग। पुलिंग अपन क्या करते हैं बेटा, एक होता है पता है आपको, अपन क्या करते हैं तो बफर में, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर है उसमें क्या करेंगे, बफर में सारी जॉब जो जो प्रिंट उसी तरीके से डाल देंगे, हाँ या ना? हाँ सर। क्लियर है? बट म्यूचुअल एक्सक्लूजन डिसेबल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बच्चों? यस सर। नॉट ए फिजिबल दिस सॉल्यूशन, मतलब इसको रोकना है ना म्यूचुअल एक्सक्लूजन करते। हाँ रोकना है, नहीं फेल करानी है, सारी कंडीशन है। वो क्या बोलता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है तो डेड लॉक होगा, तो अपन क्या बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन फेल कर दो, जने यूज कर लो। तो अगर प्रिंटर को एक साथ दो जने यूज करेंगे तो दिक्कत क्या आ जाएगी, एक पेज आपका आ रहा है, एक पेज कॉमर्स वाले बच्चे का आ रहा है, समझ रहे हो? उसको डिसेबल करना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही निकाला अपन ने ओनली, कि भाई लाइन में डाल दो सबको, समझ रहे हो बात, कि पहले ईसी वाले का निकल जाएगा, फिर सिविल वाले का, फिर मैकेनिकल वाले का निकल जाएगा उसके बाद। अरे हाँ या ना? केतन। यस सर। यस सर। समझ में आ गया प्यारे? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। होल्ड एंड वेट क्या बोलता है? सर ये शेयरेबल वाले में जरूरत नहीं है, मतलब लाइक उसको वो करने की जरूरत नहीं है, मतलब लाइक म्यूचुअल एक्सक्लूजन में हो तो कोई मतलब शेयरेबल वाले में तो कोई, हाँ इट विल नॉट क्रिएट प्रॉब्लम। ओके सर। नेक्स्ट होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट क्या हो रहा है भाई, सुनिएगा, होल्ड एंड वेट क्या हो रहा है, कर रहा और दूसरे के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, हाँ या ना? तो इसके दो सॉल्यूशन आए कि यार ऐसा मत करो, सारे ले लो, समझ रहे हो? या फिर जब आप रिक्वेस्ट करो ना तो आपके दो रुपए में दो लड्डू, ये भी ले लू और वो भी ले लू, कि बिफोर मेकिंग ए न्यू रिक्वेस्ट यू हैव टू रिलीज ऑल द एग्जिस्टिंग रिसोर्स। यस या नो? यस सर। समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. देखो होल्ड एंड वेट का क्या सॉल्यूशन आएगा, ना तो होल्ड करे और ना वेट वेट करे, हाँ या ना? करने का मतलब क्या है, बिफोर रिक्वेस्ट रिलीज रिसोर्स होल्डिंग रिसोर्सेस। रिलीज एग्जिस्टिंग होल्डिंग रिसोर्सेस, और नॉट वेट का मतलब क्या होगी सर? साउंड कट रहा है। एलोकेट, बेटा मेरे को भी लग रहा है बहुत ज्यादा अनस्टेबल आ रहा है और ये कभी कट भी हो सकता है। एक काम और करना, गैल्विन से ये डेडलॉक वाला चैप्टर पढ़ना भी है ना, ये यहाँ भी बज रहा है, कट भी सकता है आपको गैल्विन से है। देखो डेडलॉक अवॉइडेंस, बैंकर्स एल्गोरिदम ये सब पढ़ के लानी है आपको, मैं जब तक चालू तो रखूंगा। क्या
बुक तो वहीं पे है, मतलब शहर में है सर बुक, और हम लोग यहाँ पे मतलब कॉपी आती है नेट पे अवेलेबल है गैल्विन। अच्छा उसका मिल जाएगा, बोले तो मैं भेज दूँ फोटो। हाँ मेरे पास भी पड़ी है। यस सर भेज दीजिएगा, पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ यस सर, पर मैं भेज नहीं पाऊंगा बेटा। व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना सर। व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना, वही तो सर, ग्रुप पे भेज देना सर। वो पता नहीं कहाँ मिलेगी सर। मेल आईडी बोल। चलो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो पढ़ ले अपन। हाँ सर, आप ना बोल रहे, आप तो कल शाम मतलब कल देखें। देखो नेटवर्क कट जाए ना तो फिर, क्योंकि इस पे आ चुका है मैसेज और ये बार बार अनस्टेबल। समझ रहे हो? फिर भी मैं क्या, ऑल दी रिसोर्स रिक्वायर्ड बाय दी प्रोसेस आर अलोकेट बिफोर दी स्टार्ट ऑफ दी एग्जीक्यूशन ऑफ दिस। क्लियर है बच्चों? यस सर। क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ क्या? ऑल दी रिसोर्स allocate before execution। समझ में आया बच्चों? Yes sir। क्लियर है? Yes sir। इसको मैं आपको दूसरे तरीके से भी लिखा सकता हूं कि दो चीजें आई, पहली तो आई क्या, allocate all the resource the process before start of the execution। क्लियर? तो लो डिवाइस यूटिलाइजेशन आएगा। क्या बेटा? लो डिवाइस। कैसे? मान लीजिए गैल्विन में एग्जांपल भी दे रखा है, आपको टेप ड्राइव है, वहां से आप डेटा कॉपी कर रहे हो, है ना, हार्ड डिस्क में, और फिर प्रिंट भी ले रहे हो, कोई भी प्रोसेस है, रीड राइट एंड डेटा। इसमें आपको अगर स्टार्टिंग में प्रिंटर दे दिया और देयर टेराबाइट ऑफ डेटा, तो आपका भी प्रिंटर तो काफी टाइम तक यूज भी नहीं आएगा। समझ रहे हो? यस सर। सेकंड, रिलीज ऑल दी एग्जिस्टिंग रिसोर्स मेकिंग ए न्यू रिक्वेस्ट। क्या? जो भी रिसोर्स चाहिए रिक्वेस्ट करने से पहले आपको एग्जिस्टिंग वाले को रिलीज पड़ेगा। हाँ या ना? यस सर। क्लियर? तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है बेटा? बिफोर प्रोसेस स्टार्ट रनिंग। अरे यार एक बार बताओ, आपको थोड़ी पता आपको पूरे दिन में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। प्रोसेस स्टार्ट रनिंग इट माइट नीड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। क्लियर? कुछ नहीं हुआ। क्लियर?
Yes, sir. Rohit means in how can we are required. समझ में आ गया बच्चों? Yes sir. Yes या no? Yes sir. इसको भी अपन डिसेबल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कर सकते. क्लियर? Yes sir. बच्चों गया भाई ये नेट इसमें. आवाज सुनो भी सुनो बच्चों कोई बात गैल्विन से है ना पूरा डेडलॉक वाला चैप्टर पढ़ेंगे. दो काम करने गैल्विन से डेडलॉक का चैप्टर और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बुक से डेडलॉक के क्वेश्चन सारे लगाने हैं. ठीक है? yes, मैं यही बंद करता हूँ ये कट जाएगा नहीं तो ऑटोमेटिकली. yes, प्लीज yes, सब बच्चे है ना. yes, ये गया आप ले रही है डिस्टर्बेंस आ रही. चलो कल करते हैं फिर कल सुबह नहीं शाम को ये क्लास सुबह सोने दो एक दिन और. ओके ओके.